ये एक मर्द की तरफ से है रिलेटेड टू वोमेन। मेरी वाइफ खुला लेना चाह रही है क्योंकि उनको कोई और पसंद है। आई हैव वन डॉटर 8 मंथ, बेटी की कस्टडी मुझे मिल सकती है। खुला के बाद वो शादी करेगी दूसरी, और अगर कुछ टाइम बाद करे तो मिल सकती है कस्टडी। पेपर्स का कह रहे हैं, हम पेपर्स लेट ला रहे हैं, आप साइन कर दो। खुला के ऐसे साइन करना सही रहेगा? और खुला होने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा कस्टडी के लिए, जब तो शादी नहीं कर रही, ताकि मैं पास रहूंगी, थोड़ा गाइड कर दें। थैंक यू। मजाक बना कर रख दिया है, तलाक और खुला के को इतना ईजी हो चुका है कि बस क्या बताएं। और ना अपनी ज़िंदगी की फ़िक्र, ना दूसरों की, ना बच्चों की, शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को। सारी बर्दाश्त की कोई हद होती है, कल लोगों में ख़त्म हो चुकी है। देखें, अगर वो आपसे खुला लेना चाह रही है तो फिर कोर्ट ये देखेगी कि फाइनेंशली कौन स्टेबल है। अगर आपकी वाइफ स्टेबल है या फिर आप स्टेबल हैं, तो फिर उससे उसके हिसाब से वो प्रेफर करेंगे। अगर वो शादी दूसरी करती है तो फिर आपको वो कस्टडी मिल जाएगी, क्योंकि जब एक औरत या एक मर्द दूसरी शादी करता है तो इसका इट मीन दैट कि वो टाइम उसको देगा, अपने बच्चे को, अपनी जो औलाद है उसको काम देगा। तो अगर तो वो दूसरी शादी करती है तो फिर तो 100% आपको मिलेगा, लेकिन उससे पहले कोर्ट ये देखेगी कि फाइनेंशली कौन मैटर है और बच्चे की वेलफेयर कहाँ पर ग्रूम कर सकती है, किसका इन्वायरमेंट अच्छा है, तो इस हिसाब से फिर उसको करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली जैसे कि हमने पहले बात की कि औरतों को मर्दों से कुछ इस तरह के मामलात होते हैं, सेम इज़ दैट के जो कुछ मर्द हैं उनको औरतें भी इस तरह जलील करती हैं। खैर, कुछ कह नहीं सकते, पाकिस्तान है, दुनिया है, चलता है। कि जो दिल है, दिमाग है, इसका कुछ भी नहीं कह सकते कि ये किस कौन क्या सोच रहा है और कौन किस वक्त बदल जाएगा। देर इज़ नो परफेक्ट रूल के जो आदमी है वो अच्छा है, जो औरत है वो अच्छी है, या आदमी बुरा है या औरत, बिल्कुल कुछ भी नहीं पता। आँख उजल पहाड़ उजल वाला सीन बन चुका है, कुछ भी नहीं पता लिटरली। एक आप किसी को ये समझ, अगर आपको लगता है कि आप उसको बहुत समझते हैं और वो करते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने में एक पल काफ़ी है, और बनाने में तो फिर उम्रें लग जाती हैं।